गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सबका यूनिक टारगेट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने लिमिट कंटिन्यूटी का हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था। अगर आप फर्स्ट लेक्चर लिमिट कंटिन्यूटी का अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे देखें, फिर इसके बाद जो है ये सेकेंड लेक्चर देखें लिमिट का। हमने करीबन 10 क्वेश्चन हमने उठाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से IIT JEE मेंस में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेथड है यहाँ से 100% है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपका IIT में हो चाहे JEE में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझें और मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को लिमिट के हिसाब से मैं कैसे सॉल्व करूँगा। आप उसे देखिए और इसको अपने आप में उतारिए, इसको आप सीखिए इसको अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लगाने से पहले मैं बोलूँगा कि आप जो है ना पूरी फोकस मेरे साइड रखिए और अपने पास में थोड़ा सा, क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन हमने दिया है, 10 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 10 क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पे, आपको लंबा टाइम खींचेगा, ठीक है। तो आप अपने पास एक गिलास पानी लेके रखिए, ठीक है, ताकि आपको माइंड जो है दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो आप एक गिलास पानी लेके बैठिए अपने पास ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहेंगे, लिमिट x टू जीरो, सॉरी लिमिट x टू इन्फिनिटी, ठीक है, x प्लस वन डिवाइड x प्लस टू के पावर में 2x+1 ऐसा कुछ दिया हुआ है पावर में, ठीक है। लिमिट x टू इन्फिनाइट सेकेंड क्वेश्चन है, लिमिट x टू इन्फिनाइट x प्लस थ्री बाई x प्लस वन के पावर में x प्लस वन, या लिमिट x टू इन्फिनिटी x प्लस ए बटे x प्लस बी के पावर में x प्लस बी, या फिर लिमिट x टू इन्फिनाइट लिमिट n टू इन्फिनाइट n स्क्वायर माइनस n प्लस वन डिवाइड n स्क्वायर माइनस n माइनस वन के पावर में n इंटू n माइनस वन, जहाँ पर x था वहाँ पर n दिया हुआ है, या फिर फाइव नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, लिमिट n टू इन्फिनिटी x टू इन्फिनिटी fx फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का स्थान पे ये दे दिया है, ठीक है, इतना दिया रहेगा। तो इसके बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। ये फंक्शन है तो हमको क्या करना है, इसका निकालना है कि इसका क्या होगा, देन इसी तरह ये है। तो टोटल हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन अगर दिया रहेगा, अगर आप IIT का चाहे मेंस का अगर पेपर दे रहे हैं वहाँ पे, तो आपको इस टाइप के ऑप्शन मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ सभी का मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि सभी का क्वेश्चन है या तो ई आएगा, या तो ई स्क्वायर आएगा, या तो ई के पावर माइनस टू आएगा, या तो फिर डी का ऑप्शन होगा ई के पावर माइनस वन आएगा, ठीक है, या फिर मैं सभी का इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, सभी का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और मान लेते हैं ये ई जो दिया हुआ ई ऑप्शन होगा, ई के पावर में थ्री हो जाएगा, ठीक है। ई एफ जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ई के पावर में फोर हो जाएगा, ठीक है। जी ऑप्शन होगा, ई के पावर में फाइव हो जाएगा, ऐसे करके ये दिया रहेगा माइनस फोर माइनस फाइव समथिंग इस टाइप का। तो इस ऑप्शन में सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो भी ABCD ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए आप फार्मूला के हिसाब से जाएंगे तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ, जो को उस शॉर्ट ट्रिक से जो है आप सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर इन्फिनाइट के पावर में, सॉरी ई के पावर में अगर इन्फिनाइट हो तो इस केसेज में, या वन के पावर में अगर इन्फिनाइट हो तो इस केसेज में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन लगाते हैं fx-1 इंटू एन, fx-1 इंटू एन, ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम चलेंगे। तो e के पावर इन्फिनाइट और वन के पावर इन्फिनाइट हो तो इस केसेस में fx-1 इंटू एन, एन का है, एन जो इसका जो पावर में दिख रहा है ना, ये पावर में ये एन को रिप्रेजेंट करता है, ये जितना भी पावर में आपको दिख रहा है वो एन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स प्लस बी हो एन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जितनी भी होगा ये n को रिप्रेजेंट करेगा, n इंटू एन माइनस वन एन को रिप्रेजेंट करेगा, ये जी ये वाला जो है n को रिप्रेजेंट करेगा, x प्लस फोर को n को रिप्रेजेंट करेगा, कोसेक x को n को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जितनी भी पावर होगा n को रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन क्या होगा ये वाला, फंक्शन क्या होगा ये वाला। और जो देखिए हम सॉल्व करते इस मेथड पे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को उठाते हैं, फार्मूला आपको याद हो गया fx-1 इंटू एन, fx-1 इंटू एन, fx-1 इंटू एन, ये जो है लिमिट कंटिन्यूटी का ही एक रूफ है ये, जो कि e के पावर इन्फिनिटी अगर आता है तो उस केसेज में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो
हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको समझ आ रहा होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे लगाते हैं, लिमिट एक्स टू इनफिनिट एक्स प्लस वन डिवाइड एक्स प्लस टू के पावर में टू एक्स प्लस वन दिया हुआ है। तो इस केसेज में अगर दिया हुआ है तो आपको पता है ना e के पावर इन्फिनिटी के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस केसेज में हमने बताया था फंक्शन के स्थान पे क्या ये है, ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स माइनस वन, क्या आपको फॉर्मूला बताया था कि e के पावर में लिमिट हो जाएगा, e के पावर में लिमिट एक्स टू जीरो, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जो फार्मूला होगा लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में रहेगा एफ एक्स माइनस वन इंटू एन, ये फार्मूला होता है, मिस्टेक हुआ था हमसे, उसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिट जो रहेगा ई के पावर में रहेगा, ठीक है, ई के पावर में लिमिट एक्स टू जीरो एफ एक्स माइनस वन इंटू एन, इसी फार्मूला पर हम इसको रखेंगे। तो पहले लिखेंगे ई के पावर में लिमिट एक्स टू इन्फिनिट से क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम चेंज कर लिए ना, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्स प्लस वन डिवाइड एक्स प्लस टू माइनस वन, और एन के स्थान पे क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जब इसको मैं सॉल्व करूँगा अंदर में, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू डिवाइड एक्स प्लस टू, और ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बनाएगा, तो माइनस और प्लस कट जाएगा आपस में, तो एक स्टेप और लेता हूँ, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वन और माइनस एक्स माइनस टू डिवाइड, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स प्लस वन, इससे ये गया, इससे ये गया, और वन माइनस टू है तो माइनस वन आएगा, क्या आएगा माइनस वन, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में, यहाँ पे आएगा वन माइनस वन वन डिवाइड, यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस टू, और यहाँ पे क्या आएगा टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए कि एक काम करते हैं कि 2x प्लस वन ये जो है इस रूप में हम इसको बनाने के लिए हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, तो एक काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप जो है x को कॉमन लेंगे यहाँ से, x को जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये क्या बचेगा इसको, क्योंकि ये देखिए अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो x देखिए, या फिर अगर आप वैल्यू रख देते हैं लिमिट अगर रख देते हैं यहाँ पर तो ये क्या आएगा जीरो आएगा, ये क्या आएगा जीरो आएगा, है ना, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए लिमिट आप रख दिए जीरो ना, तो लिमिट हम नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा e के पावर में माइनस वन बाई टू इंटू, यहाँ पर क्या आएगा वन आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा e के पावर में वन बाई टू, e के पावर में माइनस वन बाई टू, e के पावर में माइनस वन बाई टू, e के पावर में माइनस वन बाई टू, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा हमने क्या किया था, फंक्शन ऑफ एफ एक्स है ना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स ये रखा था माइनस वन इंटू एन पावर में रहेगा एन, ठीक है, आपका जो फार्मूला था लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में रहेगा, ये लिमिट ये क्या रहेगा ई के पावर में रहेगा एफ एक्स माइनस वन इंटू एन, तो हमने क्या किया लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में एक्स प्लस वन डिवाइड एक्स प्लस टू माइनस वन, ये क्या फंक्शन हमने लिया माइनस वन किया, इसका अब हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पर क्या किया हमने एक्स प्लस टू, ठीक है, तो अब क्या किया यहाँ इस केसेज में हमने क्या किया लिमिट का हमने वैल्यू रख दिया जीरो, हमने रखा यहाँ पे लिमिट के वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर रखे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट के वैल्यू रखने पे ये और ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा माइनस वन बाई टू, तो ई के पावर में माइनस वन बाई टू, ई के पावर में माइनस वन बाई टू। क्वेश्चन नंबर टू चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर टू चलते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं, अच्छे से समझिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है आपको हिंट कर देंगे, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको लगाने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि आप लगाने के बाद जो है आप इसको मैच कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं,
लिमिट एक्स टू इनफिनाइट एक्स प्लस थ्री डिवाइड एक्स प्लस वन के पावर में एक्स प्लस वन ऐसा दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ई के पावर में इन्फिनिटी के रूप में फार्मूला लगेगा, तो आपको पता है कि लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में, और यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस वन इंटू एन, ना यही फार्मूला पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लेंगे, तो लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस वन, ऐसे आ गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये और ये आपस में कट जाएंगे, है ना, x प्लस वन ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टू जीरो e के पावर में यहाँ x प्लस थ्री और माइनस x माइनस वन डिवाइड, नीचे कट जाएगा तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इससे ये गया, यहाँ पर थ्री में से माइनस वन जाएगा तो कितना बचेगा, टू बचेगा, है ना, क्योंकि देखिए अब एक्स तो है नहीं तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, लिमिट का हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ई के पावर में कितना बचेगा, थ्री में से माइनस वन जाएगा, क्योंकि ये पावर में आएंगे, ई के पावर में निकलेगा जितना भी फंक्शन को जो सॉल्व करेंगे, तो ये ई के पावर में निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री माइनस वन बराबर कितना होगा, टू, तो ई के पावर में टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई के पावर में टू आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री को खुद आप कीजिए और इसका आंसर मिलाइए कि आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री को हम जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर थ्री को लगाएंगे, खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर को मिलाइए आप मेरे से। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, हम समझते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और लगा लिया होगा, तो आप क्वेश्चन को जो खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, लिखा है लिमिट एस टू इनफिनाइट एक्स प्लस ए डिवाइड एक्स प्लस बी के पावर में एक्स प्लस बी, ऐसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सेम फंडा लगवाना है आपको, है ना, पता क्या करना है, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में रहेगा, और यहाँ पर लिखेंगे ये जितनी भी फंक्शन जो निकालेंगे सभी ई के पावर में रहेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस वन, है ना, तो एफ एक्स ये फंक्शन होगा एफ एक्स, ठीक है, तो एक्स प्लस ए डिवाइड एक्स प्लस बी ये फंक्शन हो गया, और माइनस वन इंटू यहाँ पर क्या आएगा एन, ना तो एक्स प्लस बी करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में, ये जितनी भी रहेगा फंक्शन e के पावर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस बी, तो इससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा लिमिट x टू जीरो e के पावर में x प्लस ए माइनस एक्स और माइनस बी, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स से एक कैंसिल हो गया, एक्स से प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया ए माइनस बी, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिए होंगे, ई के पावर में ए माइनस बी, हम समझते हैं कि ये जो है आप ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो इस केसेज में आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार है, थोड़ा सा आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सेम पता है करना क्या है, यही है, यन के स्थान पे एक्स के स्थान पे इन्फिनाइट दिया हुआ है, तो यन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन डिवाइड यन स्क्वायर माइनस एन प्लस माइनस वन, ना तो अब क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस वन, तो माइनस वन करेंगे तो ये जो इधर जाएगा, तो माइनस देखिए ये और ये आपस में कट जाएंगे, है ना, आपस में और ये कट जाएंगे, यन स्क्वायर माइनस वन बटे यन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन बचेगा, ठीक है। अब इसको जो है यन को आप ऐसा काम किया कि यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए ना, तो यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसको जीरो को हटाने के लिए ये देखिए जो एन का अगर वैल्यू रख दें तो जीरो आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा, है ना, तो इन्फिनाइट नहीं देना चाहिए, ना ही जीरो के पावर में जीरो देना चाहिए, इस टाइप का अगर वैल्यू आता है तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है कुछ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, है ना, टफ क्वेश्चन नहीं है, तो अगर इसका अगर आंसर अगर नहीं आ पाता है तो आप जो है मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर नहीं आया, ठीक है। तो आपको एक बार और मैं आपको हिंट देता हूँ करना क्या है,
सबसे पहले फंक्शन ऑफ एफ एक्स लेंगे ये, तो एफ एक्स माइनस वन इंटू एन करेंगे, ठीक है, एफ एक्स माइनस वन इंटू एन करेंगे, है ना, ई के पावर में जितने भी ये रहेगा पूरा ई के पावर में रहेगा, लिमिट एक्स टू जीरो, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में इतना, ठीक है, तो ये रखेंगे। अब देखिए ये करेंगे एफ एक्स का स्थान पे क्या रखेंगे, ये वैल्यू रहेगा, ठीक है, माइनस वन करेंगे तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो इधर जब जाएगा माइनस वन करेंगे, जैसे ये उतारा माइनस वन करें तो माइनस, देखिए माइनस में जाएगा तो एन स्क्वायर, और ये माइनस एन स्क्वायर, ये प्लस एन हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा ना, ये प्लस वन, और यहाँ पर दिखाया तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, टू बचेगा, क्या बचेगा, टू बचेगा, और नीचे में बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस वन, और ऊपर में क्या बचेगा, एन स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे एन स्क्वायर और माइनस एन बचेगा, ठीक है, तो इसको हम मेरे को एडजस्ट करना होगा, तो मेरे को जीरो ना, इस केस में क्या करेंगे, एन का वैल्यू रख देंगे, तो जो भी आएगा वैल्यू, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी हमने सबको आपको हिंट दे दिया है, बस आपको लिमिट यहाँ पर फाइंड कर देना है कि एन बराबर लिमिट लिमिट एन टू जीरो ई के पावर में समथिंग एफ एक्स माइनस वन इंटू एन को जब सॉल्व करेंगे तो एन के वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इस केसेज में जीरो हो जाएगा एन का, उससे जब सॉल्व करेंगे तो उसका क्या आएगा वैल्यू आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, है ना, तो इसको खुद से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, आप वीडियो की एक बार पॉज कीजिए और इसको खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, है ना, तब मेरे से आंसर को मैच कीजिए कि क्या आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं, ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टू इन्फिनाइट फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये मेरे को फाइंड करना है, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स पता है ना, ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, तो ये दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में एक पावर में मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर पावर में लिखना भूल गया था, तो आप पावर कर लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में, तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपका लिमिट एक्स टू इन्फिनिट एफ एक्स निकालना है, तो आपको बताया गया था कैसे करना है, तो एफ एक्स देखिए यहाँ पे अगर इन्फिनिट रहते तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर में इन्फिनिट आ जाएगा, है ना, तो आपको ही लगाना फंक्शन लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में रहेगा, जितने भी फंक्शन रहेंगे ई के पावर में रहेगा, और एफ एक्स स्थान पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस वन और इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, इसका जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, डिवाइड यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स, ध्यान दीजिए जब ये अंदर जाएगा तो माइनस बनाएगा, तो यहाँ पे एक स्टेप आप बढ़ा लेते हैं, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, डिवाइड यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ आएगा इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइव एक्स में से माइनस एक्स जो है घटेगा यहाँ से, तो कितना आएगा, फोर एक्स आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में फोर एक्स और माइनस टू डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इंटू यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, इस एक्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स से मेरे को एक्स को मेरे को हटाने के क्या करना पड़ेगा, एक काम और कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देते हैं तो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि एक्स से आप क्या किए, भाग दीजिए, क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स से आप जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में, ठीक है, यहाँ पर जब आप x से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 आएगा, मतलब x क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4x by x करेंगे और माइनस 2 by x करेंगे,
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई एक्स करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा एक्स बाई एक्स करेंगे और प्लस टू बाई एक्स करेंगे, एक्स बाई एक्स करेंगे और प्लस टू बाई एक्स करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समझिए यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन मैं यहाँ पे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि लिमिट एक्स टू ज़ीरो ई के पावर में फोर माइनस टू बाई एक्स डिवाइड एक्स प्लस वन, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस टू बाई एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे x का मान पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे जब ये x का मान जीरो पुट करूँगा, यहाँ पे ये जीरो और ये पूरा जीरो देगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिट देगा तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे e के पावर में फोर बन जाएगा ना, तो e के पावर में फोर इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा e के पावर में फोर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको देखिए, आपका फार्मूला जो है सेम ही लग रहा है, एफ एक्स माइनस वन ही लग रहा है, एफ एक्स माइनस वन इंटू एन लग रहा है, एफ एक्स माइनस वन इंटू एन लग रहा है, तो आप इस रूप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन आप पर छोड़ दें क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, मैं क्वेश्चन नंबर कुछ आप पर छोड़ देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आप लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं बता देता हूँ, सिक्स सेवन आप लगाएंगे, क्योंकि सेवन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसा आपने क्वेश्चन किया उसी जैसा है ना, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी जो है सेवन और सेवन आप करेंगे, एट मैं कर देता हूँ। ठीक है, सिक्स भी मैं छोड़ दूँ आप ही पे, अगर सिक्स छोड़ूंगा, देखिए मैं हिंट देता हूँ सिक्स में क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जीरो रखें तो ये इन्फिनिट देगा, ई के पावर में इन्फिनिट है ना, तो आपका लग रहा है ई के पावर में इन्फिनिट, तो ये एफ एक्स माइनस वन इंटू ये जो है इंटू एक्स, ये वाला लगेगा फार्मूला, तो वन प्लस एक्स और माइनस वन करेंगे तो ये इधर जाएगा एलसीएम, तो माइनस वन और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा टू एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, तो ई के पावर में टू आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे ई के पावर में टू आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन लगा लिया आप, सिक्स क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, सेवन क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन को लिमिट एक्स टू जीरो एक्स प्लस सिक्स डिवाइड एक्स प्लस वन के पावर में एक्स प्लस फोर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एफ एक्स माइनस वन इंटू एन ना, तो एन का स्थान पे इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्स तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये जो है इधर जाएगा माइनस वन और माइनस एक्स और माइनस वन, तो ये माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा आपस में, और यहाँ पे क्या बचेगा सिक्स में से वन जाएगा, तो कितना बचेगा फोर बचेगा फाइव बचेगा है ना, और एक्स प्लस वन और एक्स प्लस फोर है, तो यहाँ पर क्या एक्स प्लस वन और प्लस थ्री बना दीजिए ना, वन ये फोर को क्या करेंगे थ्री बना देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको जब करेंगे यहाँ पे फाइव आ जा रहा है, यहाँ पे क्या रहा है यहाँ पे आ जाएगा थ्री बाई एक्स प्लस वन आ जाएगा है ना, तो इसको जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा सेवन नंबर। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, क्वेश्चन नंबर एट पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर एट मैं लगाता हूँ, लिमिट एक्स टू ज़ीरो, क्या है लिमिट एक्स टू ज़ीरो वन प्लस टेन एक्स डिवाइड वन प्लस साइन एक्स, यहाँ पे क्या रहा है कोसेक एक्स, क्या रहा है कोसेक एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका वही फार्मूला लगाना है, क्योंकि वन बाई साइन चेंज साइन इसको जो है साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, उस मेथड से भी लगा सकते हैं, एक और मेथड है कोसेक को वन बाई साइन करेंगे, तो वन बाई जीरो है ना, साइन जीरो के लिए कितना होता है जीरो है ना, तो वन बाई जीरो बराबर कितना का इन्फिनिट आएगा, तो उस केस में यहाँ पे इन्फिनिट के फंक्शन को शो कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि जब शो करेगा तो लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में फंक्शन ऑफ एफ एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस वन इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ ये दिया हुआ है इंटू एन। ठीक है, इस रूप में हमने लिख दिया, अब इसको क्या करेंगे लिमिट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन प्लस साइन एक्स डिवाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स,
और यहाँ पे क्या जाएगा कोसेक एक्स आएगा, क्या आएगा कोसेक एक्स को हमें ए वन बाई साइन एक्स लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, वन बाई साइन एक्स लिख देते हैं ना, वन बाई साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये अंदर जाएगा तो ये बनाएगा लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में वन प्लस टेन एक्स माइनस वन और माइनस साइन एक्स डिवाइड वन प्लस साइन एक्स इंटू वन बाई साइन एक्स, वन बाई साइन एक्स। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, ये और ये आपस में कट जा रहे हैं, है ना, ये और ये आपस में कट जा रहा है, तो और क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में टेन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड वन प्लस साइन एक्स इंटू वन बाई साइन एक्स, वन बाई साइन एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि एक काम कीजिए कि साइन साइन और कॉस में इसको चेंज करेंगे, साइन और कॉस में इसको चेंज कर देंगे, है ना, तो साइन और कॉस, तो साइन हमारा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, एक काम कीजिए साइन और कॉस में इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, आप चेंज कीजिए इसको खुद से। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर इस इधर से मैं साफ करता कर देता हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन लगा लिए होंगे, है ना, कि एट नंबर में बता रहा हूँ, अगर नहीं किए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको उतार कर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, जो एक बार देख लीजिए आप मेथड, उसके बाद इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो इसको हम साफ करते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम साइन और टेन को साइन और कॉस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में क्या करेंगे चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में, देखिए टेन एक्स को साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और डिवाइड ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या जाएगा इंटू वन बाई साइन एक्स, वन बाई साइन एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू वन बाई साइन एक्स, वन बाई साइन एक्स। देखिए साइन एक्स यहाँ पर भी है और साइन एक्स यहाँ पर भी है, तो साइन एक्स क्या करेंगे कॉमन मेरे को मिल जा रहा है, तो लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में साइन एक्स यहाँ पर क्या आएगा वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये इस रूप में मिल जाएगा, वन बाई साइन एक्स जो है यहाँ पे कट जाएगा, वन बाई साइन एक्स और साइन एक्स यहाँ पे क्या हुआ कट गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको जो है कटने के बाद इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट एक्स टू इन्फिनाइट ई के पावर में वन प्लस कॉस एक्स डिवाइड कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये इस रूप में बन जाएगा, ये पावर में है ना, ई के पावर में इतना जितना भी फंक्शन आ रहा है। तो आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, देखिए फार्मूला पढ़ाने के लिए हमको आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए इसको हम साफ करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं साफ करते हैं, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, देखिए अच्छे से समझिए। इतना करने के बाद आप पढ़े होंगे कि कौन किया था, एक ध्यान दीजिए कि अगर मैं लिमिट अगर मैं रखता हूँ, बाय द वे मैं यहाँ पे एक्स टू जीरो रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस जीरो का वैल्यू कितना, तो वन आता है, वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आएगा, है ना, वन माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, आप संतुष्ट है इस पर, जीरो आएगा, है ना, ई कितना रहा ई के पावर में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि लिमिट आप रख रहे हैं तो ई के पावर में आएगा, लिमिट एक्स टू जीरो जब पुट कर रहे हैं तो ये क्या रहा है ई के पावर में आ रहा है तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या रहा है जीरो, और डिवाइड यहाँ पे क्या आएगा वन आएगा। ठीक है, और अंदर में क्या आएगा वन प्लस जीरो आएगा। ठीक है, तो देखिए जीरो बाय जीरो तो है ना, तो ई के पावर में जीरो वैल्यू कितना आता है वन आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ना। इस क्वेश्चन के एक मेथड और से कर सकते हैं, देखिए दूसरा मेथड क्या होगा,
ध्यान दीजिएगा। दूसरा मेथड क्या होगा, जो कि दूसरा मेथड से बहुत इजी से आ जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसी कॉन्सेप्ट पर आपको चलना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे देखिए, वन प्लस टेन एक्स डिवाइड वन प्लस साइन एक्स के पावर में कोसेक एक्स टू ज़ीरो, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, एट नंबर ना, क्वेश्चन नंबर एट नंबर है, लिमिट एक्स टू जीरो वन प्लस टेन एक्स बटे वन प्लस साइन एक्स, यहाँ पे दिया है पावर में कोसेक एक्स ना, यहाँ पर रखते हैं तो वन बाई साइन एक्स करेंगे तो इन्फिनिट देगा, है ना। तो आपको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान देगा, हम ऊपर और नीचे कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस टेन एक्स, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, लिमिट एक्स टू ज़ीरो वन प्लस टेन एक्स के पावर में, यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन एक्स, ध्यान दीजिएगा टेन एक्स यहाँ लिख रहे हैं। अब पावर में फिर करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा टेन एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोई फर्क पड़ेगा कि आपस में ये क्या होगा, कट जाएगा, आपस में क्या होगा ये कट जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने क्या टेन एक्स को क्या किया है, हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो टेन यहाँ आ जाएगा, तो आपस में वन बना लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये जितने भी आएंगे ई के पार में रहेगा ना, ये जितने भी आएंगे ई के पार में रहेगा, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये देखिए ये वन बना लेगा, है ना, ये क्या ये वन बना लेगा, तो कोई फर्क नहीं। हमने क्या किया था, केसेस को बनाने के लिए हम ऐसा इसलिए किए थे ताकि ये आंसर आ जाए, इनको आपस में देखिए ये आपस में कट जाएगा, लेकिन हमको इसको आपस में एक फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया गया था, है ना। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो टेन एक्स और टेन एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन बाई टेन एक्स लिखा हुआ इन पावर में, ये क्या लिखा है टेन एक्स लिखा हुआ, जब पावर अंदर आएगा तो वो बाई में हो जाएगा, ठीक है। तो टेन बाई टेन तो आपस में वन वन बना लेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो देखिए इस केसेज में सॉल्व करने के लिए एक स्टेप और मैं ले जा रहा हूँ, तो लिमिट एक्स टू ज़ीरो, एक्स टू ज़ीरो ई के पावर में, यहाँ पर क्या आएगा वन प्लस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स के पावर में, देखिए यहाँ पे वन बाई टेन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा इसको चेंज करेंगे तो वन बाई साइन एक्स हो जाएगा, वन बाई साइन इसे ये कट जाएगा, है वन बाई कॉस एक्स बचेगा। जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे जीरो जब पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस जीरो का वैल्यू कितना, तो वन होता है, तो वन बाई वन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा जीरो बना लेगा, है ना, ये क्या बना लेगा जीरो बना लेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू तो पूरा जीरो, ये वैल्यू तो पूरा जीरो, है ना, क्या यहाँ पे वन बना रहा है, क्या बना रहा है वन बना रहा है। जब इस केसेस में करेंगे तो ये क्या आएगा जीरो ई के पावर में, यहाँ पे क्या आएगा वन आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे ई के पावर में वन आ जाएगा, ई के पावर में क्या जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस केसेज में करेंगे तो यहाँ पर देखिए ई के पावर में जीरो, है ना, ई के पावर में क्या आएगा जीरो देगा। तो इस केसेज में क्या करेंगे, ई के पावर में जीरो का वैल्यू कितना होता है वन, तो वन यहाँ पे क्या लिखेंगे वन लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपका नीचे रहेगा, इसी तरह आपका नीचे रहेगा, क्या रहेगा नीचे आपका रहेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा नीचे आपका रहेगा इसी साइन वन प्लस, देखिए नीचे में आपका रहेगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वन प्लस साइन एक्स के पावर में कोसेक एक्स, है ना, वन कोसेक एक्स अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ लिमिट के साथ रहेगा ना, लिमिट एक्स टू ज़ीरो ई के पावर में, ठीक है। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो फर्स्ट आपका ई के पावर में वन आ रहा था, ठीक है। और जब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये वाला, तो देखिए आप अगर लिमिट रखते हैं तो ये क्या देगा, यहाँ पे जीरो बना लेगा, जीरो कोसेक जीरो का वैल्यू कितना होता है, कोसेक जीरो का वैल्यू भी जीरो होता है, तो ई के पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है वन होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा ई के पावर का वैल्यू कितना होता है वन होता है, तो आपस में कट के कितना बना लेगा वन बना लेगा, वन बाई वन ना, तो मतलब वन बना लेगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वन आ जाएगा, ई सी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका वेस्ट मेथड जो है आपका यही सही है जो हमने बताया ना। तो इसमें क्या आपको फिक्स करना पड़ेगा ना, तो ये जो है ये भी आपको ईजी पड़ेगा, लेकिन ये सबसे वेस्ट हमको लगता है, तो आप जो है इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट आप लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन जो है आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, हिंट मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, लिमिट क्या करेंगे, लिमिट एक्स टू ज़ीरो ई के पावर में फंक्शन ऑफ वन प्लस टू बाई एक्स, ठीक है, और माइनस वन इंटू एक्स करेंगे, ठीक है, इंटू एन एक्स करेंगे, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, लिमिट लाइए हम ही कर देते हैं ई के पावर में, यहाँ क्या आएगा वन प्लस टू बाई एक्स माइनस वन
ठीक है, और देखिए माइनस वन ये आ जाएगा, ठीक है, और इन टू यहाँ पर क्या आएगा एक्स आ जाएगा, है ना। जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर में, यहाँ पे क्या बचेगा एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम इसमें जाएगा तो एक्स आएगा, और प्लस टू माइनस एक्स बाई एक्स यहाँ पर क्या आएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, और ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा ई के पावर में टू बचेगा, क्या बचेगा ई के पावर में टू बचेगा। आया समझ में, कैसे किया हमने कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस वन इंटू एन, ठीक है, तो एफ एक्स के स्थान पे ये रखा, माइनस वन के स्थान पे ये रखा, इंटू यहाँ पे एन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या इसका एलसीएम हमने ले लिया, तो इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा माइनस एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, तो एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, टू बाई एक्स आ जाएगा इंटू एक्स, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई के पावर में यहाँ पे इतना बचेगा टू बचेगा। आया समझ में, तो ई के पावर में टू बचेगा। क्वेश्चन नंबर टेन आप खुद से करेंगे या मैं सॉल्व कर दूँ, क्वेश्चन नंबर टेन आप खुद से करेंगे कि मैं सॉल्व कर दूं, खुद से आप कीजिएगा इसको, मैं इसको आपको हिंट देता हूं, ठीक है, आपको मैं इसको हिंट देता हूं, क्योंकि अगर आप a माइनस ए करें तो e के पावर इन्फिनिटी बना रहा है ना, जीरो है ना, वन बाई जीरो के वैल्यू कितना होता है इन्फिनिट होता है, तो आप फंक्शन ऑफ ये करेंगे साइन एक्स माइनस वन साइन ए बटे साइन ए आएगा, ठीक है, तो साइन ए साइन एक्स माइनस साइन ए बटे साइन ए आएगा, इसको जो है आप सॉल्व इसको कर लीजिएगा। इसी तरह से आप जो करेंगे साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला से आप इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसको जो भी कटने वाला होगा वो कट जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो जो भी आएगा वहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर टेन जो है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है टेन तक हमने आपको बताया, यहाँ से करीबन क्वेश्चन आईआईटी में और जेडब्ल्यूई में मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को आपको हमने बताया, एक्सप्लेन किया। तो अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन नंबर है, फलाना क्वेश्चन है, इसको आप बता दीजिए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम समझते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ आ गया, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसमें हम बात करेंगे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, बात करेंगे सततता और असततता के बारे में, ठीक है, क्योंकि जब मैं उठाया हूँ तो लो लेवल से हाई लेवल तक मैं क्वेश्चन को उठाकर लेते चलूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बाद, जो है आपके 11th और 12th के बुक को हम टच करेंगे, ठीक है, ताकि आपको उधर से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में भी देखा जाए तो एग्ज़ाम में आपका एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। आप जानकारी के तौर पे ये जो है, जिसे आप आईआईटी और जेडब्ल्यूई मेंस के अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये सब जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के ही आपको देना एग्ज़ाम देना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी एग्ज़ाम देंगे आप इसको पढ़ के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो ने भी हैं आपके दोस्त और फ्रेंड्स, उनको बोलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो हम जो है और भी मैं और लाइव क्लास को मैं चलाने की कोशिश में हूँ, क्योंकि अगर मेरे को अच्छे लेवल तक तादाद मिलते हैं तो मैं इसको लाइव क्लास दूंगा, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में आपको और आपके मैसेज को और मैं जो हूँ आप और हम मिल करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को, और आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आगे इसको लाइव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, आप ईमानदारी से बात कीजिएगा कि आपके जितने भी फ्रेंड है, आप उनको जाकर बताइए कि यूनिक टारगेट क्लासेस में अच्छे से तैयारी कराए जाते हैं, और यहाँ पे अभी हम स्टार्ट किए हैं, अच्छे लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन उठाएंगे, यहीं पे हम सॉल्व कराएंगे। तो आपके जितनी भी दोस्त यार हैं, जितनी भी फ्रेंड हैं सर्कल में आते हैं, उनको आप बताइए, उनको बताइए कि वहाँ के चैनल यूनिक टारगेट क्लासेस एक अच्छी चैनल है, जो कि वहाँ पे हमको लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो आप जब तक बोलेंगे नहीं उनको, तब तक वो उनको पता नहीं चलेगा कि यूनिक टारगेट क्लासेस भी कोई चैनल है, ठीक है। तो आप लोगों को बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू। और